भारतीय एयरटेल की मोबाइल और ब्रॉडबैंड सर्विस देश भर में डाउन हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से कई यूजर्स सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत कर रहे हैं। एयरटेल नेटवर्क आउटेज की वजह से इंटरनेट चलाने में भी समस्या आ रही है। उधर कंपनी ने भी सोशल मीडिया पर कहा है कि हमारी इंटरनेट सेवाओं में कुछ देर के लिए समस्या आई है, इस असुविधा के लिए हमें खेद है। अब सब कुछ सामान्य हो गया है। बता दें कि देश भर में एयरटेल के 35 करोड़ ग्राहक हैं, इसमें से केवल यूपी में 5 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। कंपनी ने कहा ठीक हो गई सर्विस, फिर भी शिकायत कर रहे लोग। कंपनी की तरफ से सर्विस सामान्य होने का दावा करने के बावजूद अभी भी लोग सोशल मीडिया पर नेटवर्क को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। एयरटेल आउटेज की वजह से मोबाइल इंटरनेट यूजर्स कंपनी के ब्रॉडबैंड और वाईफाई यूजर्स भी प्रभावित हो रहे हैं। एयरटेल के ऑफिशियल ऐप को भी एक्सेस करने में समस्या आ रही है। आउटेज को ट्रैक करने वाली कंपनी डाउन डिटेक्टर के मुताबिक एयरटेल की सर्विस सुबह 9:50 पे बंद हो गई थी, इसे 11:55 तक ठीक कर दिया गया है, यानी ग्राहकों को 2 घंटे तक परेशान होना पड़ा। पिछले सप्ताह जियो की सर्विस भी इसी तरह से डाउन हो गई थी। तो दोस्तों ये थी एक ब्रेकिंग न्यूज जो कि एयरटेल की तरफ से आई थी, जिसमें बताया गया है कि उसकी सर्विस सुबह से डाउन हो गई थी, लेकिन अभी उसकी सर्विस को सही कर दिया गया है। मेरे पास भी इसका SMS आया है। तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।